गुड आफ्टरनून एवरीबडी, सत श्री अकाल। क्लास 10, विषय हमारा हिंदी साहित्य है और पाठ्य पुस्तक का नाम कृतिका सेकंड नंबर की पुस्तक है। फर्स्ट नंबर की पुस्तक क्षितिज है, उसका नाम क्षितिज है और इसका नाम कृतिका है। क्षितिज कंप्लीट हो चुकी है और इस समय हमारी कृतिका चल रही है। इस पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है और दो खंड होते हैं, जैसा कि आपको बताया, एक गद्य खंड होता है और एक काव्य खंड होता है। उसका यह गद्य खंड, हालांकि कृतिका के अंतर्गत एक ही खंड है, क्षितिज के अंतर्गत दो खंड है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड, बट इस पुस्तक के अंतर्गत आपका एक ही खंड है, गद्य खंड है। शीर्षक इसके है माता का आंचल और इसके लेखक का नाम है शिव पूजन सहा और इस चैप्टर का नाम है तीसरा भाग, अर्थात दो हम इसके अंतर्गत दो भाग पढ़ चुके हैं, तीसरा भाग हमने जान लिया है। जैसा कि आपको विदित है, माता का आंचल ये शीर्षक है इसका और इसके बारे में मैंने दो भाग में काफ़ी चर्चा कर ली है। प्रसंग के अनुसार हम चलते हैं। जैसा कि भोलेनाथ ने आपका किया, उन्होंने तरह तरह के अपने बचपन काल के बारे में बताया कि हमने नाटक किया, हम चबूतरा हुआ करता था, उसके कोने पर एक रंगमंच बना लेते थे, हम पात्र बन जाते थे, कभी कोई नाटक खेल लें, कभी रामचरित मानस का नाटक खेल लें, कभी अभिज्ञान सागर फिल्म का नाटक खेल लें, तरह तरह के नाटक करते थे। फिर उसके बाद में हम मिठाइयों की दुकान बना लेते थे, जलेबी बनाते थे, मिट्टी के लड्डू बनाते थे, मिट्टी की जलेबियाँ बनाते थे, तरह तरह के हम पैसे बनाते थे, पत्तों पर पैसा बनाते थे, पूड़ी बनाते थे, तरह तरह की बात की उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने बात की कि उसके बाद में हम बारात बनाई हमने, हम संधि बने और कुछ डोली वगैरह बनाते थे। इस प्रकार सारी बातें करते करते हम लगभग यहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद में क्या खेती करते करते खेती में मोट मोट बनाया उन्होंने, जैसे बैल जैसे खेतों को जोतते हैं, खेत की बुवाई की इच्छा हुई उनकी, अर्थात बचपन में उन्होंने कहा कि चलो खेती करते हैं, खेती किया उन्होंने, तो खेती करते समय उन्होंने सारी बातें अपनी बताई। फिर क्या है, उनके बाबूजी जब इनसे पूछते थे कि इस साल की फसल कैसी है, सो ये क्या कहते थे कि बस फिर क्या, हम लोग झोंका था खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए घर गए। जैसे हमारे फादर थे, हमारे पिताजी थे, हमारे बाबूजी जो थे, हमें पूछते थे इस साल की खेती कैसी हुई, तो फिर क्या, हम तो इस प्रकार के उनके शब्द को सुनकर लजाकर अर्थात शर्मिंदा होकर भाग जाते थे, हंसते हंसते भाग जाते, कैसी मौज की खेती थी और किस प्रकार की मौज की खेती थी। ऐसा यहाँ तारकेश्वरनाथ भोलेनाथ, जिनका इस समय का नाम शिव पूजन सहा, इस चैप्टर के जो लेखक हैं, वो अपने बारे में, अपनी आत्मकथा के बारे में, अपने बाल्यकाल के बारे में, अपने बचपन काल के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते, तो इस प्रकार के नाटक अपने जीवन काल के बारे में बता रहे हैं, हम खेला करते। बटोई भी कुछ देर टिटक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोई कहते हैं रागी को, रास्ते में चलने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ बटोई शब्द का प्रयोग किया गया है। बटोई रास्ते में चलने राहगीर व्यक्ति को कहते हैं जो जाता है। वह भी खासे तरीके से हमारे जो नाटक किया करते थे, विवाह वगैरह करना और खेती खलिहान करना, मिट्टी की मिठाई वगैरह जो भी हम करते थे, उसको रागीर रास्ते में चलने वाले लोग भी हमें देख कर हमें हंसते थे, देखने के लिए खड़े हो जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। जब ददरी अर्थात विशेष प्रकार का एक स्थान है ददरी, जब ददरी के लिए लोग जाते थे मेले में, तब हम उन्हें देख देख कर हंस हंस कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सातु किसान की मोटरी, और चलो भैया ददरी चलते हैं और सतुआ को पिसाने के लिए, वहाँ सतुआ पिसाया जाता है, वहाँ चलते हैं। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई औरदार पालकी देख पाते, अब किसी दूल्हे के सामने, बता रहे हैं भोलेनाथ तारकेश्वरनाथ शिव पूजन सहाय, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, कन्फ्यूजन नहीं होने की जरूरत है प्यारे बच्चों। बचपन प्यार का नाम भोलेनाथ है, वास्तविक नाम तारकेश्वरनाथ है, कवि के रूप में जब से प्रस्फुटित हुए तब से इनका नाम शिव पूजन सहाय पड़ गया था, इसलिए कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। चलो भैया ददरी सातु पिसान की मोटरी, अर्थात चलो मडवा पिसवा लेते हैं, अर्थात दाने जो आजकल आपने देखा होगा भार वाला जो आता है वो सतुआ बनाता है, चने और गेहूँ और वेजर होती है, उसमें सतुए का निर्माण होता है और उस सतुआ में जब पिस जाता है, तो पिसने के बाद में उसमें चीनी मिला के पानी मिला के बड़ा अच्छा घोल बनता है, हृदय स्फुटित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है उसे खाने के बाद में, तो उसी की बात कर रहे हैं। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई और दाल पालकी देख पाते, जब हम ददरी जाते थे, ददरी जाते समय मेला होता था वहाँ,
तो जब हम मेले में जाते हुए किसी की पालकी देख लेते थे तो तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुराण रहरी, डोला की कनिया हमार महरी। इसी पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ खदेड़ से मारा था। एक बार की बात थी, तब हम इस प्रकार चिल्लाते बोलते जब कोई पालकी निकलती थी लोगों की तो हम उसमें चिल्लाने लग जाते थे। तो एक बार जो बुजुर्ग किसी व्यक्ति ने हमें बड़ी जोर से खदेड़ा, उस खसून 26 की सूरत आज तक हमें याद है। और इस प्रकार हमें खदेड़ा था, बच्चे होते आपको पता ही है कि जब किसी को देख लेते हैं चिढ़ता हुआ, बड़े बड़े लोगों को बुजुर्ग को, तो वो ज़्यादा चढ़ाने की कोशिश करते हैं उसे। तो जैसे ही चढ़ाते तो एक बार की बात बता रहे हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति हमारे पीछे इतना दूर तक हमें खदेड़ता हुआ कि आज भी उसकी याद आती है। वैसा यहाँ ताकिश्वना भोलेनाथ पूजन सहाय कह रहे हैं, न जाने किस ससुर ने वैसा जवाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी, आम की जब फसल होती थी तब खूब आंधी चला करती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, वहां चुन चुन कर घुले घुले को भी आम चबा चापते थे। और जब आंधी चलती थी तो बढ़िया बढ़िया आमों से आम के फल गिर जाते थे, तो हम उनको बीन कर और हम खूब चूसते थे, उनका खूब खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आधी पट पड़ गई, आकाश काले बादलों में ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कोंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन चूमने लगी, हम लोग चिल्ला उठे। और एक बात की याद है कि बड़ी जोर से आंधी आई और आंधी के बाद में तुरंत गर्जना होने लगी, बारिश भी होने लगी, और पेड़ जो पेड़ की डालियां थी वो इतनी भयंकर आंधी आई कि वो पेड़ की डालियां वो जमीन से लगने लगी। अर्थात उस समय हम बहुत घबरा बैठे और चिल्लाने उठे। एक पैसा की लाई बाजार में चितराई और बरखा उधरे मिलाई, लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने। हमने प्रार्थना की इस वर्ष के वर्षा बंद हो जाए, लेकिन वर्षा बंद नहीं हुई। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, और जो पेड़ों की जड़ होती है उससे हम चिपक गए, अपने आप को छुपाने लगे, अर्थात भीग न पाए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने लगी थी। तो उससे घबरा कर वो जो पेड़ों की जड़ें होती हैं उन जड़ों से छिप कर ये छिप गए। जैसे कुत्ते के कान में अटैच छुप जाती है, मगर बरखा जमी नहीं थम गई। अर्थात जिस प्रकार कभी कभी देखा होगा आपने, स्वान को देखा होगा, कुत्ते को देखा होगा, जिस प्रकार किसी के आने पर एकदम छम सा हो जाता है, उस प्रकार हमारी भी स्थिति हो गई थी जब बारिश हो रही थी। फिर क्या हुआ, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। और जैसे बरखा कहते हैं, बरखा शब्द का प्रयोग यहाँ वर्षा के लिए हुआ है, बरसात को कहते हैं बरखा। अर्थात जैसे ही वर्षा बंद हुई वैसे ही बिच्छू निकल गए, काले काले बिच्छू, सफेद सफेद बिच्छू, ये थोड़े से पीले पल में बिच्छू और बिच्छू निकलने लगे। ऐसा भोलेनाथ, जिनका बचपन का नाम भोलेनाथ था और जिनका वास्तविक नाम था ताकिश्वरनाथ, और जिनका इस समय लेखक के रूप में नाम है सिंह पूजन साहब, तीनों नाम एक ही शख्स के हैं, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ये अपने जीवन बाल्यकाल बचपन काल के बारे में बता रहे हैं कि जिस समय हमने एक बार की बात थी कि बड़ी आंधी आई और आंधी आने पर एकदम वर्षा आ गई, तो हम पेड़ की जड़ों से दबक गए। वर्षा बंद होने पर जैसे ही एकदम उनमें से बिलों में से आपके क्या निकलने लगे, बिच्छू निकलने लगे, तरह तरह के बिच्छू निकलने लगे। हम लोग डर कर भाग चले, और हम लोग डर के भाग गए हैं। हम लोग उनमें बैजू बड़ा ढीठ था, जिसका नाम बैजू था, वो बड़ा ढीठ था। अपने बाल्यकाल के बारे में बता रहे थे, जो दल मंडली थी, हम उम्र वाली जो एक दल था उनका, दोस्ती का दल था, उसके बारे में बता रहे हैं कि बैजू नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में भूषण तिवारी मिल गए, जिनका नाम भूषण तिवारी था वो भी मिल गए। और बेचारे बूढ़े आदमी को जूझता कम था, जूझता सूझता कम था, बैजू उनको चढ़ा कर बोला, और वो कम बोलते थे। बैजू जो हमारा ढीठ बच्चे हमारे दोस्त था, वो इनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बहनों के सुनने सुन मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसम तिवारी ने भी तहासा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी को चले, अर्थात हम अपने अपने घर की तरफ चले गए। जैसे ही तिवारी जी को हमारे ढीठ जो दोस्त था जिसका नाम बैजू था उसने चिढ़ाया और उसको चिढ़ाने का काम किया, तो हम भी उसके साथ में बोलने लगे, हमने भी चिढ़ाने का कार्य किया और हम चिढ़ा कर उसे घर की तरफ भगे, और हमारे पीछे हमें खदेड़ता हुआ जो तिवारी हुई वो खदेड़ते हुए चल पड़े। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। जब हम लोग नहीं मिल पाए, तिवारी ने काफी हमें खदेड़ते हुए देखा, हमारा पीछा किया, लेकिन हम छुप गए। छुपने के बाद में तिवारी जी को हम नहीं मिले, तो तिवारी जी अपनी पाठशाला के अंतर्गत चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए चार लड़के गिरफ्तार वारंट लेकर छूट गए, और हमारे लिए बैजू और हम, हमारा नाम भोलेनाथ था, बचपन का नाम, वास्तविक नाम ताकिश्वरनाथ था, सतुजन साय समय लेखक के रूप में है। तो हम लोगों को, हम दोनों को विशेषकर, हम दोनों ही थोड़ा बदमाश टाइप के थे, तो हम दोनों को पकड़ने के लिए
चार बच्चों की टोली बनाई, चार बच्चों का एक सीआईडी का एक ग्रुप बनाया तिवारी जी ने, और वारंट जारी कर दिया कि दोनों लड़कों को पकड़ के लाइए, जहां कहीं भी मिल जाए पकड़ के गिरफ्तार करके लाइए। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों के पट टूट पड़े थे, और जैसे ही हम घर पहुंचे तो तिवारी जी ने चार लड़के भेजे थे सीआईडी के रूप में वारंट लेके, वैसे कोविड पहुंच गए और उन्होंने हमें पकड़ लिया। वैजू तो 9-2-11 हो गया था, जो वैजू था हमारा जो मित्र था ढीठ था वो तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 एक मुहावरा आइडिया स्टूडेंट, इसका मतलब होता है चोर को देख सिपाही को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मीन्स किसी बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति का भाग जाना, अर्थात बिल्ली को देखकर चूहे 9-2-11 हो गए, अर्थात सिपाही को देखकर चोर 9-2-11 हो गए, अध्यापक को देखकर छात्र 9-2-11 हो गए, अर्थात इसका मतलब ये होता है एक मुहावरा है लोकोक्ति है, अर्थात किसी प्रसंग को घटाने के लिए जिस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। वैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए, फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली, और जो गुरु जी तिवारी जी थे बड़े बड़ी जोर से खबर ली हमारी, यानी क्या क्या कहा हमने, हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, और हम दुलारने से चुप होने वाले नहीं थे, हम बहुत जोर से चीख चीख कर चिल्लाने लगे, रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर गया था, गुरु जी की चुरोरी करके हमें घर ले चले, रास्ते में हमारे साथ लड़कों का झुंड मिला, ये जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर हुआ हम खाए हुआ ना खेला जुआ, और हम इस प्रकार बोलते गए कि मैया हमारी पकड़ लिया था मैं और तिवारी जी ने हमें पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद में हम खूब रोने चिल्लाने लगे, और उनसे तिवारी जी ने फिर लास्ट तक हमें छोड़ दिया, फिर उसके बाद में हम खेलते कूदते हुए मैया से मैया के पास में आए और कहते आए कि अब हम जुआ नहीं खेलेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब मैया के हाथ के हम पूरे खाएंगे। फिर क्या था हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबू जी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर रचना लगे। फिर क्या हुआ, जब हमारे पिताजी ने जब हम ज्यादा रोने लगे तो गोद में ले लिया था, गोद में लेने के बाद में हमें छोड़ दिया था, छोड़ने के बाद में फिर क्या हम तो बच्चों की जो अपनी मंडली थी मित्र मंडली थी जो उसमें जाकर मिलने लगे, फिर गुनगुनाने लगे, फिर वही काम करने लगे। आप जानते हो छोटे जो बच्चे होते हैं बड़े शरारत के होते हैं, उनको लाखों समझाइए आप कितना भी प्रयास करिए उनको वो समझने वाले नहीं होते हैं, थोड़ी देर के लिए बच्चे हाँ में हमें भर देंगे ठीक है आप बिल्कुल बात, फिर वही मतलब उम्र भी कुछ निर्मल उम्र बड़ा चित्र स्वभाव अच्छा होता है, छोटी उम्र में अपनत्व और पराई की भावना नहीं होती है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं होता है ना कि कौन पराया कौन, बड़ा ही निर्मल चित्र होता है जो बचपन काल का, आप सभी बच्चे अपने बचपन काल को याद करिए, अपनी छोटी अवस्था को 4-5 वर्ष 6-7-8 वर्ष की जो अवस्था होती है, वास्तविक खेलने कूदने वाली जो अवस्था होती है वो इंसान से जिंदगी भर याद करता है, वो काल ही ऐसा होता है कि उस काल को कौन ना याद करे, और उस काल को देखकर किसको हंसी ना आए, और उस काल में किस बच्चे ने कितने ड्रामा नाटक नहीं रचाए होंगे, कितने तरह तरह के, वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य सबसे जीवन का अपनी लाइफ का जिंदगी का सबसे बड़ा अनोखा और अद्भुत बड़ा ही मतलब चटपटा और बड़ा ही खूबसूरत बड़ा ही खुश रहने वाला वो समय होता है जिस समय इंसान को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, बिल्कुल संकोच भाव से खेलता कूदता दौड़ता फिरता, कहीं भी जाता कहीं भी मारता कहीं भी खाता पीता रहता है। तो यहाँ जो शिव पूजन सभा है वो अपनी आत्मकथा अपने जीवन अपने बाल्यकाल के बारे में यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। फिर क्या इसके बाद में मंडली में मिलकर लगे वही तारसुर अपनाने, तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, और फिर क्या जो मकई का मक्के का खेत हुआ करता था उसमें दौड़ पड़ते थे, और मक्के के खेत में से मक्के लेने मक्का लेना प्रारंभ तोड़ना प्रारंभ कर देते, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था, हमने देखा एक चिड़ियों का झुंड था वर्ड्स का झुंड था वो उसमें मकई खा रहा था, वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, और हमारी मित्र मंडली में कुछ बच्चे ऐसे थे कि दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे चिड़ियों को, पर एक भी हाथ नहीं आई, लेकिन एक भी हाथ नहीं आई, हम खेत से अलग भी खड़े होकर गा रहे थे, और खेत से अलग होकर गा रहे थे राम की चिड़िया रामी को खेल भर भर चिड़िया भर भर खाओ पे, अर्थात छक्कों की चिड़िया भर भर छक्कों की चिड़िया राम की चिड़िया राम एक खेत छक्को चिड़िया खाए खाए पे का भर भर पे, अर्थात राम का ही ये सब कुछ है, राम की ही जमीन है, राम का ही मक्का है, राम की सब कुछ है, चिड़िया खूब खाओ आपका ये खेत है। फिर क्या हम हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबू जी की गोद से, तो इसके बाद में
यह सब हो गया। हमसे कुछ दूर बाबूजी हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हमसे कुछ दूरी पर ये सब कुछ कर रहे थे। मकई के खेत में घुस गए थे, मकई के खेत से मक्का तोड़ने लगे और चिड़ियों को पकड़ने लगे, चिड़ियों से कहने लगे आपका ही खेत है आपको खाइए, आराम की चिड़िया खाइए। उसके बाद में क्या हमारा ये सब कुछ तमाशा मेरे बाबूजी मेरे पिताजी और गांव के कुछ लोग सब कुछ देख रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर हम तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई की नहीं समझते। और चिड़ियों को पकड़ रहे थे वो और कह रहे थे कि वास्तव में जो बच्चे होते हैं वो बंदरों जैसी सोच होती है, अर्थात जो रूप होता है बचपन का उनका बिल्कुल जैसे बंदरे हरकतें करते हैं, जो मंकीज होते हैं जो बंदर होते हैं बंदरों की भांति जो छोटे बच्चे होते हैं वो हरकतें करते हैं। तो यहाँ बाबूजी कह रहे हैं कि बंदर और जो बच्चे जो होते हैं वो दूसरों की पीर को नहीं जानते कि दूसरे मक्के का खेत है कितना नुकसान हो रहा है, चिड़ियों को कितना कष्ट हो रहा है उनको पकड़ रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार कह रहे हैं इनके बाबूजी। एक किले पर जाकर हम लोग चूल्हों के बिल में पानी उछील में रखते थे और एक किले पर जाकर जो आपके बिल थे किसके बिल थे आपके चूहों के बिल थे उसमें पानी डालना शुरू कर देते चूहों को निकालने के लिए बिलों से निकल गए। नीचे से ऊपर पानी फेंकना हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिवजी का सांप निकल आया और जैसे ही उसमें चूहों के बिलों में हमने पानी डाला पानी में से गणेश जी की जगह पर उनके पिताजी भोलेनाथ के जो प्रिय नाग है सर्प है वो काले नाग निकल पड़े। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, रोते चिल्लाते बेतहाशा मतलब कोई हमें अपनी सुध नहीं एकदम हम भागने लगे जोर जोर से। कोई औंधा गिरा कोई अंटा चुप, कोई औंधा गिरा कोई अंटा चुप, तरह तरह भगड़गड़ में तो पता नहीं रहता है शरीर का कहीं भी कोई भी कैसे भी गिर जाता है। और गिरने लगे अब गिरने लगे क्या है तरह कोई चित्त गिर रहा है कोई उल्टा गिर रहा है कोई औंधा गिर रहा है गिरने लगे भाई सांप जैसा बचपन काल में छोटे बच्चों को सांप दिखाई दे जा। आजकल के बच्चे तो थोड़े से बात ही कुछ अलग है लेकिन उस समय के बच्चे थे वो चूहों से भी डर जाते थे बिल्लियों से भी डर जाते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब जैसे नाग देखो तो बेल तो आँख बीच के भगने लगे कोई दड़ा गिर गया कोई मजा गिर गया कोई यहाँ गिर गया कोई वहाँ गिर गया तरह तरह से गिरने लगे। किसी का सिर टूटा किसी के दांत टूटे किसी का सिर टूट गया किसी के दांत टूट गए और सभी गिरते पड़ते भागे हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई और पूरे शरीर हमारा खूनों से लथपथ हो गया लहूलुहान हो गया। आँख से खून नाक से खून मुँह से खून सिर से खून हाथों से दांत टूट गए सब। उस समय बाबूजी बैठक में सारे बैठ कर होकर हम लहूलुहान हो गए पैरों के तले कांटों से छलनी हो गए हमारे पैरों के तले थे जो वो कांटों से छलनी हो कांटों लगे क्योंकि हम पैदल नंगे पैर थे बच्चे होते हैं छोटे आपने देखा होगा स्लीपर्स का ध्यान भूल जाते हैं पहले गाँवों में जो बच्चे हुआ करते थे हालांकि अब तो मॉडर्न बच्चे हो गए हैं अब तो बिल्कुल घर में भी स्लीपर पहन के रहते हैं बाकी तो बाहर हर जगह स्लीपर पहन के रहते हैं। तो पहले के बच्चे क्या हुआ करते थे खेल खेल में सुत भूल जाते थे उन्हें ध्यान नहीं रहता था तो वो अपनी स्लीपर्स चप्पलों को भी भूल जाते थे। तो वो उनके पैर थे जो जैसे ही भगे वो पहाड़ों की तरफ से तो उनके पैर कांटों से छलनी होने के अर्थात उनके कांटों में हजारों कांटे लग गए और उनको बिल्कुल पैर उनको कांटों से तहस तहस हो गया था। हम एक सौ से दौड़ हुए आए और घर में घुस गए और एकदम हम डर के घर में घुस गए अपने में। उस समय बाबूजी बैठक के सारे बैठक हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उस समय हमारे जो बाबूजी थे औषारी मतलब कमरे के पास में बैठकर हुक्का पी रहे थे उन्होंने हमें बहुत पुकारा और उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए और हमने काफ़ी उन्हें उन्होंने हमें काफ़ी पुकारा लेकिन हम उनके पास में नहीं गए हम मैया के पास में चले गए उनकी अनसुनी करते हुए जाकर उसी की गोद में शरण ली और हमने मैया की गोद में शरण ली। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ यह दिखाया जा रहा है इस चैप्टर के माध्यम से कि जो माता का आचरण माता की गोद होती है माता का स्नेह होता है बच्चे के प्रति अब यहाँ दिखाई दे जाता है। छोटी मोटी जो भी कठिनाइयाँ आती है बच्चे के समय में उतना भूल जाता है लेकिन बड़ी जब कठिनाई आती है तो सबसे ज़्यादा माँ की गोद को पसंद करता है माँ के आचरण को पसंद करता है माँ के स्नेह को। अर्थात जब भी बच्चे को कष्ट होता है अब ये सभी बच्चे मंडली के बच्चे अपने अपने पिताओं के पास में नहीं गए अपने आप को सुरक्षित माँ की गोद में महसूस किया इन्होंने अपने आप की रक्षा उस सर्प को डर कर जब भगे थे तो इन्होंने पिताजियों के पास में नहीं गए पिताओं के पास में नहीं गए अपने माओ के पास में गए सभी बच्चे। ऐसा क्यों क्योंकि माँ की गोद में माँ के आंचल में माँ की वत्सलता में वह अद्भुत नजारा होता है वह जादू होता है कि बच्चे को माँ की गोद से बढ़कर दुनिया की सारी गोदें जो होती हैं चाहे वो बुआ की गोद हो चाहे पिताजी की गोद हो चाहे नानी जी की गोद हो चाहे मामा जी की गोद हो चाहे नानी जी की गोद हो चाहे चाची जी की गोद हो चाहे ताऊ जी की गोद हो चाहे पिताजी की गोद हो किसी भी की गोद हो
वो प्रिय बोध नहीं लगती जितना बच्चे को माँ की गोद, माँ का आंचल, पता नहीं क्या जादू होता है माँ के उस आंचल में, जादू स्वाभाविक है क्योंकि वो माँ उस बच्चे को 9 महीने तक अपने घर में पालती है, उसका लालन पालन पोषण करती है और वह माँ उस बच्चे को सूखे में सुलाकर अपने आप को गीले सुनाती है। सवाल है कि वो स्नेह उसी समय से जुड़ जाता है जिस समय से बच्चे पेट में होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है ऐसा ही है कि जब वो डर के भगे तो माँ की गोद में सभी लोग चले गए और मैया चावल अमनिया कर रही थी। मैया चावल अमनिया, अमनिया करने का एक साधु साई शब्द है, ये वृंदावनी अर्थात ब्रजवासी वाला शब्द है अमनिया। अमनिया का मतलब होता है जैसे हम चावलों से कुछ चीजों को बीनते हैं तो वो अमनिया कहलाता है। साधु साई भाषा में उस बीनने को जैसे दाल बीनते हैं, दाल में से कुछ कड़ होते हैं उनको बीनते हैं, चावलों में से चावल और दाल पकाने से पहले उसको हम पवित्र बनाते, शुद्ध बनाते। शुद्धता के लिए हम उसमें से कंकड़ वगैरह तो नहीं है, कोई और पदार्थ तो नहीं है, उसको बीनना हम कहते हैं अपनी भाषा में, लेकिन उसको साधु साई भाषा में उसको अमनिया कहते हैं। अमनिया कर लो अर्थात उसे साफ कर लो, चावल जो भी आप पकाने जा रहे हैं इसको दाल या चावल उसको साफ कर लीजिए। यहाँ वही साधु साई शब्द प्रयोग किया है अमनिया। हम उसी के आंचल में छिप गए, हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और हम जैसे ही कांप रहे थे क्योंकि सर्प का डर तो कांपना तो स्वाभाविक है, वैसे ही क्या हुआ कि हमें माँ ने हमसे पूछ लिया, माँ भी हमारे साथ में जोर जोर से रो पड़ी और काम छोड़ गए कि अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पहुंचकर हमें चूम लेती, बड़े संकट में पड़ गई और माँ भी बड़े संकट में पड़ गई, हमें देखकर वो भी रोने लगी, कप कपाने लगी, संस्कृति लेते हुए बच्चे से पूछने लगे, बेटा हमारे कारण जाने लगी, बेटा क्यों कांप रहे हो, क्यों क्या तकलीफ है तुम्हें, कभी वो रोने लग जाती, सस्कुराने लग जाती। हमारी माँ भी हमारे साथ में इस प्रकार क्रियाकलाप कर रही थी। झटपट हल्दी पीस कर हमारे गांवों पर थोपी गई और झटपट मेरी हमारी माओ ने हल्दी पीस कर हमारे जो घाव हो गए थे शरीर पर सब घाव पर वो हल्दी भर दी और घर में कोहराम मच गया और घर में आताताई मच गई। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में चले जाते थे, सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होटल को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद लेने अपनी गोद से लेने लगे और हमने मैया के आंचल में प्रेम और शांति चलाने की छाया ना छोड़ी। अर्थात इस प्रकार जब बच्चे रो रहे थे, जब सर्प का उन्हें डर लगा और सर्प को देखकर वो भागे अपने घर की तरफ, मैया की गोद में छुप गए जाके, संस्कृतियाँ लेने लगे, सकी आवाज लगने कांपने लगे, उनको देखकर उनकी माई कांपने लगी, रोने लगी, उनकी दर्द को महसूस करने लगी कि इनको कोई बड़ा कष्ट हुआ है। वो कभी उनको पूछने लग जाती है कारण कि आप क्यों कप रहे हो और कभी उनको अपनी गोदी में भर लेती थी, पुचकारती कि क्या कारण है। इस प्रकार वो अपनी गोदी में लड़ाई रखती उनको और इसी चीज़ों को देखते हुए बाबूजी आए। बाबूजी ने काफ़ी प्रयास हमें अपनी गोद में लेने का प्रयास किया लेकिन हम बाबूजी की गोद में नहीं गए। अंत में हम अपनी माँ की गोद में ही रहे क्योंकि माँ की गोद में हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जो हमें सबसे डर लगा रहा था वो डर हमारा माँ की गोद में आते बहुत कम हो गया। माँ ने हमारे ऊपर काफ़ी स्नेह और वत्सलता दिखाई उसके कारण हम ठीक हुए। तो यहाँ जो चैप्टर है माता का आंचल, इसके लेखक जो हैं शिव पूजन सहाय हैं। तो यहाँ इस चैप्टर से यही शिक्षा मिलती है कि जो माँ का स्नेह होता है, जो माँ की वत्सलता होती है, माँ का जो प्यार होता है बच्चे के प्रति अद्भुत हो, चाहे माँ का बेटे का माँ के प्रति एक अद्भुत होता है। भारी संकट में, छोटे मोटे संकटों में तो वो झेलता है, पिता को बता देता है, लेकिन भारी जब संकट होता है तो उस संकट में वो माँ की गोद को ही सबसे सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ पिता वो पदवी कभी नहीं ले सकता है जो माता लेती है। आपने देखा होगा बच्चे को सबसे ज्यादा यदि कष्ट हो और उस कष्ट में सबसे ज्यादा जिसको स्मरण करता है, सबसे पहले उसका शब्द मुंह से माँ ही निकलता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। ये चैप्टर आपका